अल्लाह दुनिया और आखिरत की खुशियों ने और किसी का मुदाई न करे, ज़िंदगी जो है ना कितनी है कितनी नहीं अल्लाह जानता है। दुआ करें कि हमारे जीते जीते इसके मसले मसाइल हल हों, उनकी परेशानी ख़त्म हो, अल्लाह ताला इन्हें अच्छा जो घर है हमारा बेहतर पक्का बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और इसकी जो किस्तें हैं वो उतर जाएँ। दूसरा, जो मसले मसाइल हमारे हैं वो ख़त्म हो जाएँ। किचन के लिए मैं चाहता हूँ इसके लिए कम अज़ कम एक रूम का इंतज़ाम हो जाता ना, बहुत अच्छा था। लेकिन रूम से हट कर तो मुझे सबसे बड़ी फिक्र है अपनी टाँगों की, सबसे बड़ी फिक्र टाँगों की है। दुआ करें अल्लाह ताला इनकी टाँगों के हवाले से परेशानी दूर करें, और बाकी परेशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से अपनी रहमत से दूर कर दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, अल्लाह राज़ी हो, कोई गम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सालन बनाया है, देसी मुर्गा। ये जनाब सालन जाएगा मेरे वालिद के घर, वालदा के लिए, वालिद के लिए, वहाँ पे ये बेगम डाल के दे रही है। तेरी गर्म हो गया जी, क्योंकि ये डब्बा है प्लास्टिक का, गर्म हो गया। अब इसको उधर भेजेंगे इंशाल्लाह, बेटा जाके देगा, थोड़ा जाके दूर है इंशाल्लाह, अभी टाइम काफ़ी है, हमको ये पचाते हैं ताकि अफचारी में वो इस्तेमाल कर सकें। देखें जी बेगम की तकनीक, क्योंकि प्लास्टिक का डब्बा गर्म था, नीचे इसके रुमाल रख दिया है, और ये ना अभी यहाँ रख लो। अब वो आता है भाई, अपना क्या नाम है, हमारा अहमद बेटा आता है, वो आके उनको दे आएगा इंशाल्लाह, और यहाँ बैठते हैं फेरी के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अब हम चलते हैं मस्जिद की तरफ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और बाहर चलता हूँ मैं यहाँ से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारे घर का बाहर का व्यू है, गंदम की क्यारियाँ हो चुकी हैं, गंदम की क्यारियाँ हो चुकी हैं, ट्रैक्टर वाला जा रहा है, वो उसके आगे रैपर लगाया हुआ सड़क हुआ है, वो शायद कैमरे में यहाँ से जूम हो या ना हो। बाकी मस्जिद की तरफ चलते हैं, आपको वहाँ की फोटो दिखाते हैं। मस्जिद की रेत पड़ी है आपके सामने, दुआ करें बाकी काम मुकम्मल हो। मैं बड़े फिक्रमंद हूँ, बहुत फिक्रमंद हूँ, खासतौर पर वाशरूम और दूसरा वाशरूम की इसे इस साइड से चार दीवारी की हदबंदी, ये भी मुकम्मल, बाकी सब लास्ट से आगे शेयर करते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने पीछे, ये हमारा दरवाज़ा है मस्जिद का बेटा, ये मस्जिद वाला दरवाज़ा दिखा, और ये जगह यहाँ पे हमने दरवाज़ा लगाना है, और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये मस्जिद का फर्श की हदबंदी होगी, और यहाँ से ऐसे रास्ता आगे आगे आएगा इस तरफ, और ये यानी कि ऐसे जूतियों का रास्ता रहेगा यहाँ पर। और ये जो जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हम वाशरूम देंगे, दो वाशरूम, और इस तरह से एक आध गुस्सल खाने तक का भी प्रोग्राम है, ताकि गुस्सल खाना भी हो, और बाकी आगे टोटियाँ और एक चार दीवार जैसे बैक साइड से जो मुकम्मल आएगी दीवार, यानी कि ये जो दीवार जो बैक आएगी कम से कम जो है ना 8 से 10 फुट ऊँची आएगी, क्योंकि जो हमने यहाँ वाशरूम बनाने हैं ना, उनकी वाशरूमों की छत भी होगी और साथ साथ टोटियों की छत भी होगी, यानी कि फिर ये दीवार भी आगे ये भी तकरीबन 8 से 10 फुट ऊँची आएगी, 8 से 10 फुट ऊँची, यानी कि नीचे जो ज़मीन में दब जानी है वो अलग, तकरीबन 4 फुट ज़मीन में दब जाएगी नीचे, यानी 4 फुट वो ज़मीन में दब जाएगी, और ऊपर बाकी जो है 8 से 10 फुट तकरीबन जो है ना ऊँची रखनी है हमने वाशरूम की छत। और इसके अलावा टीयर लेने हैं, गार्डर लेने हैं, और दूसरा ये कि अपना क्या कहते हैं उसको, सरिया, बजरी, सीमेंट, और सीमेंट जैसा कि हमने पीछे बोला था बीच में 50 बोरी, और यहाँ जो बजरी आनी है, जो उसकी अपनी बजरी आनी है, 300 फुट है फर्स्ट मस्जिद की, वो 300 फट फर्श मस्जिद की होगी, जो यहाँ पे आनी है वो अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम नीचे फर्श में इधर भी देंगे, उस साइड पे भी देंगे, ये 15 फुट का यानी कि चौड़ा ऐसा तो होगा, जिसमें टूटियाँ वगैरह शामिल हैं, इनके टूटियों की चाहिए अपना दीवार की ईटें, यानी टोटल ईटें जो है हमें गटर समेत 18,000 ईंट चाहिए, 18,000 ईंट। दुआ करें ये काम हमारा मुकम्मल हो मस्जिद का, बाकी कुरान पाक इस वक्त बच्चे अंदर मस्जिद में पढ़ रहे हैं, बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं अपने सामने माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं माशाल्लाह जी। हम आफिस साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ये दुआ मांगेंगे, दुआ करेंगे जिन बहनों ने तावन की अब तक, उनका खसूसी शुक्रिया, और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत घर को भी मुकम्मल कराए, उन्हें भी खुशी और सलामती दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين جنہیں بھانا بی بی آنے اے مسجد واسطے خدمت واسطے خدمت کیتے نے اللہ سونا پیار رمضان شریف صدقہ انہاں دے حال دے کرم کرے انہاں دے گھر آباد شاد فرماوے آمین حضور دی زیارت نصیب فرماوے حج بیت اللہ دی زیارت فرماوے اللہ سونا انہاں کو توفیق دے عید دے دوران رمضان شریف وچ کامیابی تھی ونجے آمین تھوڑا جیا بھوکتا ٹبے تا تھوڑا جہا موسم گرمی دال نہ اوکھے تھی نے اے برانڈا بن ویسی بال پڑسن تہاڈے حق وچ دعا فرمائسن اللہ تعالی کو کامیابی دے سی اللہ تعالی کو حوصلہ افزائی دے وے اللہ تہاڈے برکت رزق وچ برکت عطا فرماوے آمین وانا نزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد امين يا رب العالمين कोशिश ये है बच्चे आवन को तैयार हैं मस्जिद वास्ते थोड़ा जहा कम पेशी है चार दीवारी मुकम्मल थी वे बरांडा बन वे लैट्रीन वगैरह बन वन पानी की सहूलत बन वे माशाला बच्चे तैयार हैं आवन को तुम्हारी मेहरबानी सी तुम्हारी शफकत हो सी अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ की बरकत आ फरमाए सी अल्लाह हाफिज़ आमीन। आप साहब का कहने का मकसद ये था क्योंकि हमें भी मालूम है यहाँ पे काम हो रहा है, दरअसल यहाँ जो मौके के बच्चे हैं उनमें से भी कम आ रहे हैं, उनमें से भी कम आ रहे हैं, यानी कि खासतौर पर मेरे बच्चे पच्चीस घरों के आ रहे हैं, बच्चे पीछे घर के हैं वो आ रहे हैं, यानी इक्का दुक्का बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह यहाँ की जगह पूरी नहीं हो पा रही। हम चाहते हैं मस्जिद मुकम्मल होगी जैसे इंशाल्लाह यहाँ तकरीबन जो है 40 से 50 बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए हमें जो ना आपको बताया कि 18,000 ईंटों की ज़रूरत है, इसके अलावा 50 बोरी सीमेंट की और 300 फुट बजरी इस जगह की, और उस जगह की बजरी तकरीबन कम पेश 200 फुट उसकी भी आ जाएगी। वो जो हमें उस साइड की जो सारी खड़ी करनी है वाशरूमों में डालनी है, गुसलखाना टूटी वाली जगह और दूसरा वो साइड कम अज़ कम 15 फुट यानी कि चढ़ाई है 15 फुट, अगर यानी 200 फुट नहीं तो 150 फुट कन्फर्म हो जाएगी, यानी वो मिस्त्री से पूछना पड़ेगा क्या सोच क्या चाह रहे ताकि आप अपना बच्चों को पढ़ाएँ पुराने पास आप अपना काम जारी रखें, अल्लाह तला बरकत दे। चलो सुर चल ये जो हमने आपसे शेयर की है, बाकी जो दीवारें प्लस्तर होनी है वो हम आपको पीछे भी दिखा चुके हैं, अलहमदिल्ला 3 दीवारें मस्जिद की प्लस्तर हो चुकी हैं, अंदर से 4 दीवारें प्लस्तर हो चुकी हैं, ये फ्रंट रहता है मिस्त्री की कोई मजबूरी बन गई थी, ये देखिए रेत भी डलवाई उसने, रेत डलवा के यहाँ सीमेंट नहीं डाली, शुक्र है कि उन्होंने सीमेंट नहीं डाली, वरना फिर उनको काम करना पड़ जाता, उनका कोई मजबूरी बन गई थी, कुछ खास उनका जाती पर्सनल काम था, मैं भी ये समझता हूँ कि वो ज़रूरी था क्योंकि उनकी एक रोजी का मसला था, उनका एक फ्लाट का इशू था, वो कब्ज़ा करना चाह रहे थे क्योंकि कुछ और लोग कब्ज़ा ना कर जाए, इसलिए वो मजबूरन वो वापस चले गए, उनका जाती काम था और मजदूरों यहाँ के जो मजदूर थे उनको भी साथ लेते गए। इंशाल्लाह उम्मीद है सुबह वहाँ के काम शुरू करेंगे और हम चाहते हैं कि ईद से पहले पहले ये काम फाइनल हो जाए, जो इसमें फंड की कमी है दुआ करें अल्लाह वो पूरा कर दें। अल्लाह दुनिया और आखिरत की खुशियाँ रहे और किसी का मदाज न करे, ज़िंदगी जो है ना कितनी है कितनी नहीं अल्लाह जानता है, दुआ करें कि हमारे जीते जीते इसके मसले मसाइल हल हों, उनकी परेशानी ख़त्म हो, अल्लाह ताला इन्हें अच्छा जो घर है हमारा बेहतर पक्का बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है और इसकी जो किस्तें हैं वो उतर जाएँ, दूसरा जो मसले मसाइल हमारे हैं वो ख़त्म हो जाएँ, किचन के लिए मैं चाहता हूँ इसके लिए कम अज़ कम एक रूम का इंतजाम हो जाता ना बहुत अच्छा था, लेकिन रूम से हट कर तो मुझे सबसे बड़ी फिक्र है अपनी टाँगों की, सबसे बड़ी फिक्र टाँगों की है, दुआ करें अल्लाह ताला इनकी टाँगों के हवाले से परेशानी दूर करें और बाकी परेशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से अपनी रहमत से दूर कर दे। आपने दुआ किया करो इन लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो भी जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान है ना अपने बहन भाई छोटे बड़े सबके लिए दुआ किया करो, सबके लिए दुआ किया करो, अल्लाह सबको खुशियाँ दे, सलामती दे, सलामती दे, अल्लाह राजी हो। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। इनकी आवाज़ पे आमीन कहते हैं, ये कह रही है पूरी दुनिया में जहाँ कहीं है मुसलमान ऐसे नमाज पढ़ने वाले दाड़ियों के। आप हमारी वीडियो देख रहे थे, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे, दुआ में याद रखना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।